मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। व्हाट्सएप की एक ऐसी जानकारी हम बताने जा रहे हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी हम कह सकते हैं चल रही है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। ये मैसेज बहुत ज़्यादा कॉपी और पेस्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है। दरअसल ये है क्या, ये व्हाट्सएप से संबंधित मैसेज है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट कुछ रूल्स लागू कर रही है इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें कि कुछ कानून तय किए जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसको माने, और वो कानून सही भी हैं। वो किस लिहाज से सही हैं ये हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब कुछ एडवर्स कंडीशन में हम कह सकते हैं, जब कोई वायरल मैसेज बनाया जाता है या झूठी खबर फैलाई जाती है, तो होता क्या था कि उसका सोर्स और उसका ओरिजिन पता नहीं चल पाता था और वो इतनी जगह इतनी बार फॉरवर्ड हो जाता था कि समय नहीं आता था। और किसी भी न्यूज़ को आज के टाइम जो है सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो गया है, उन चीज़ों को सही मान लिया जाता है और ऐसे केसेस में जो है काफ़ी सारी दिक्कतें खड़ी होती है। इसी बीच दोस्तों, ये जो वायरल न्यूज़ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप 3 टिक का इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि हमारे भारत में तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स व्हाट्सएप के हैं और तकरीबन सभी जानते हैं कि सिंगल टिक डबल टिक का क्या मीनिंग होता है और ब्लू टिक ये सब क्या काम करते हैं। ऐसे में ही एक निकल कर आया है कि अब व्हाट्सएप पे 3 टिक का इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नमेंट ने ऐसा व्हाट्सएप को करने के लिए कहा है। ये 3 टिक क्या हैं, कैसे काम करेंगे, देखिए ये भी आप एक, ये जो नीचे दिख रहे हैं आपको 7 पॉइंट्स, इसमें आप देख सकते हैं ये जो नए नियम बताए जा रहे हैं। पहली बात मैं ये बता दूं दोस्तों, ये पूरी तरीके से फेक है। और ये जो 3 टिक के मायने बताए गए हैं कि 2 ब्लू हो जाएं 1 रेड हो जाएगा तो गवर्नमेंट जो है कोई एक्शन लेगी, 1 ब्लू रहेगा 2 रेड हो जाएंगे तो गवर्नमेंट उस जानकारी को चेक करेगी, 3 लाल हो जाएंगे तो गवर्नमेंट उस मैसेज को जो कह सकते हैं बनाने वाले के खिलाफ जो है कुछ और अगेंस्ट में उसके एक्शन ले सकती है। अब दोस्तों, इसकी सच्चाई ये है कि ये पूरी तरीके से जो है फेक न्यूज़ है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्या व्हाट्सएप जैसी एक चीज़ को भारत सरकार क्या इतना समय अपना दे सकती है कि वो एक एक व्यक्ति के मोबाइल पर और मैसेजिंग पर जाकर ये सब देखे कि वो क्या बात कर रहे हैं, किसे मैसेज कर रहे हैं, कब मैसेज फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है किसी भी मायने में सही नहीं है और गवर्नमेंट के पास इतना भी डेटा सेट को इतना चेक करने का समय नहीं है कि वो एक एक हाय हेलो गुड मॉर्निंग टाइप्स के मैसेज को भी चेक करे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये बात सही है कि गवर्नमेंट ने जो कानून बनाने के लिए हम कह सकते हैं कहा है व्हाट्सएप, ट्विटर और हमारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, उनसे यही कहा गया है कि जो है इन सब चीज़ों को चेक किया जाए और ऐसे नियम बनाए जाएं कि हम उस फेक मैसेज का जो है इन्फॉर्मेशन चेक कर सकें कि वो कहाँ से आई है, कहाँ से जनरेट हुई है, कहाँ सबसे पहले टाइप हुई थी, कहाँ से वायरल की गई, ताकि हम जो है उस यूज़र तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। ऐसे ही कुछ प्राइवेसी के कानून मानने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स माने। अब दोस्तों, मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ ये हमारी सभी भारतीयों की और यूज़र्स की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़र्स की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम खुद आत्ममंथन करें, आत्मविश्लेषण भी हम कह सकते हैं कि हमें करना चाहिए। किसी भी मैसेज को पढ़ने के बाद जो है पहले हम खुद सोचें कि उस मैसेज का मीनिंग क्या है, क्या वो मैसेज कह रहा है, क्या वो हमें किसी भी ग्रुप में आगे फॉरवर्ड करना चाहिए या किसी को भी हम कह सकते हैं कि हम सेंड कर देते हैं बिना पढ़े, बिना समझे, बिना उसका मतलब निकाले, ये सब नहीं करना चाहिए। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जितना भी आईटी और ये जो एडवांसमेंट हमें मिला है, जिनसे बहुत सारी दूरियां जो हैं कम हुई हैं, इसका सही मायनों में फ़ायदा उठाया जाए। इसका गलत काम करके जो है और गलत मैसेजिंग को फॉरवर्ड करके हम भी उतने ही ज़िम्मेदार होते हैं जितना ज़िम्मेदार वो मैसेज बनाने वाला है। तो दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप 3 टिक की जो न्यूज़ है
पूरी तरीके से फेक है। आप ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी जो है हम कह सकते हैं ओरिजिनल कंटेंट मिल सके और उन्हें पता चले कि ये सारी न्यूज़ जो है फेक है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।